नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। उन्हेल में प्रेस फोरम के तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कार्यशाला को संबोधित किया। आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा, आज भी प्रिंट मीडिया की प्रासंगिकता है। पत्रकारों को अपनी कलम को आत्ममंथन के साथ मुखर करना चाहिए, यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कही, जहां मीडिया की सकारात्मक भूमि पर बोले वहीं खामियों पर भी प्रकाश डाला। वे बोले, आज के समय में पत्रकारों को पीत पत्रकारिता से बचने की आवश्यकता है। आज के समय में छोटे पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन नहीं हो रहा है। जो आज उन्हेल में हुआ है वह वाकई सराहनीय है। कोई भी पत्रकार छोटा नहीं होता। इसका उदाहरण देते हुए बताया कि बड़नगर के एक पत्रकार प्रेमचंद जी द्वितीय ने अपनी लेखनी से दिल्ली में तहलका मचा दिया था। इंदौर उज्जैन में कोरोना संकट के समय जो सराहनीय कार्य किया गया उसकी भारत में तारीफ हो रही है एवं स्वच्छता को लेकर भारत सरकार द्वारा इंदौर को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार थावरचंद गहलोत, क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय, पूर्व मंत्री व विधायक उज्जैन पारस जैन, विधायक नागता खाचरो, दिलीप सिंह गुर्जर आदि ने संबोधित किया। मंच पर पूर्व विधायक सतीश मालवीय, प्रेस फोरम उज्जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा, अध्यक्ष सुनील जैन, तराना वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, उप संचालक जनसंपर्क उज्जैन संभाग सुश्री रश्मि देशमुख उपस्थित थे। जिले के सभी क्षेत्रों से पत्रकार बंधु पधारे थे। कार्यक्रम के पूर्व मां सरस्वती की पुष्पमाला व प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत संरक्षक भैरूलाल जैन, इसरार कुरैशी, अध्यक्ष सुनील जैन, सचिव विकास जमावर, सह सचिव शरद उपाध्याय, कोषाध्यक्ष द्वारकाधीश मेहता, राजेश पाठक, लोकेंद्र टेलर, गोपाल नंदेड़ा, पीयूष जायसवाल, शिवनारायण नंदेड़ा, बंशीलाल गहलोत, जितेंद्र पांचाल, नितेश वर्मा, मनीष पोरवाल, राजेंद्र जैन, कमल राठौर, वसीम पाकिजा आदि ने किया। वहीं बाहर से आए सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। संचालन डॉक्टर ओ पी बैरागी द्वारा किया गया। आभार प्रेस फोरम सचिव विकास जायसवाल ने माना। समाज सेवी तराना के और पत्रकार जिनके माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ, बहुत अधिक समय न लेते हुए पर्यावरण और स्वच्छ भारत के क्षेत्र में 2014 ईस्वी के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर भारत में और भारत के बाहर इंग्लैंड और कुछ अन्य देशों में पर्यावरण और स्वच्छ भारत की अलग जगाने का काम कर रहा हूं। अब तक 1000 से अधिक उद्बोधन देश और देश के बाहर मेरा हुआ है।